जगत जननी सुहाग दात्री माता सावित्री के मेले में आज पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया गया। दर्शन के लिए केवल महिलाओं को ही अलाउ किया गया, जिसकी वजह से स्थानीय कुछ संगठनों में रोष जरूर देखा गया। उधर मंदिर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन का मानना है कि मंदिर में बहुतायत में महिलाओं की भीड़ रहती है, इसके चलते आज पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ पुरुष वहां दर्शन के लिए ज़रूर देखे गए, जो कि पति पत्नी साथ में आए थे, उनको ज़रूर प्रवेश दिया गया था। पुलिस का मानना है कि इस बीच कई उठाईगीर और बदमाश किस्म के लोग आकर महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, इसके चलते ये प्रवेश रोका गया। लेकिन यह है कि दो दिन बाद पुनः या फिर जिस प्रकार से भीड़ कम होते ही महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी प्रवेश दे दिया जाएगा। महिलाएं कोई तो रोपवे में सवार होकर माँ तारानी के दरबार में पहुंची और कुछ महिलाएं पैदल ही लगभग 900 सीढ़ियां चढ़कर माता रानी के दरबार में जयकारे लगाते हुए पहुंची। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज। तो लो आइए देखते हैं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने क्या कहा और किस प्रकार से आज मेले की व्यवस्था सुचारू रही। पुलिस की इस व्यवस्था से कई महिलाएं बहुत ही खुश नजर आई। उनका मानना है कि इस बार मेले में न तो भगदड़ मची और न ही किसी प्रकार की परेशानी हुई। हाँ, हालांकि छोटी मोटी घटनाएं मेले में जरूर देखी गई। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज। आने जाने की भीड़ होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आने का और जाने का अलग अलग रास्ता करवाया। और सबसे बड़ी बात यह रही अब की बार कि अब मंदिर के पट हमेशा 3 बजे खोलते हैं, तो अब की बार हमने पुजारी परिवार से रिक्वेस्ट किया कि पहले खोलने के लिए, तो उन्होंने 1 बजे ही पट खोल दिए थे, जिसका भी हमें काफ़ी लाभ मिला। और सबसे व्यवस्था ये रही कि ये चूँकि ये मेला महिलाओं का मेला है, माता सावित्री का मेला है, यहाँ महिला ही अलाउ है महिलाओं के लिए, तो अब की बार हमने पुरुषों का जो था उसको अब की बार हमने रोका है कि पुरुषों को बाद में शाम को दर्शन कर लेवें, अभी सुबह सिर्फ महिलाओं। ये सुहागदात्री माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर महिलाएं प्रतिवर्ष भादवा सुदी सप्तमी और अष्टमी को पूजा के लिए आती है। सभी अपने अपने अखंड सुहाग की कामनाएं लेकर आती है। यहाँ पर केवल महिलाओं की विशेष पूजा का महत्व है, इसलिए इस बार जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रशासन हम लोगों ने तय किया कि मंदिर में केवल औरतों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर केवल वर्कर और ड्यूटी वाले लोग और पुजारी परिवार के अलावा कोई भी और आदमी नहीं है, केवल महिलाओं को प्रवेश दिया गया है। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचे, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। पूरे रास्ते में रेलिंग की व्यवस्था पलाड़ा जी की तरफ से करवाई गई है। SDM साहब, CI साहब और DPSP साहब बार बार 3 दिन से लगातार यहाँ पर आकर व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं और उचित निर्देश देकर पूरी व्यवस्था माकूल करवा रहे हैं। रास्ते में लाइट की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी यहाँ पर हम और हमारी तरफ से नहीं होने दी जा रही है। कमल, ये सावित्री माता का 2 दिवसीय मेला है, आज रात को 1 बजे से शुरू हुआ है, 1 बजे पट खुलने के साथ ही। इसमें हमने करीब 40 से 45 के बीच में जाप्ता लगाया है। जाप्ता ऊपर है, सीढ़ियों पे भी है, नीचे भी है और रोपवे वगैरह जहाँ जहाँ भी है, मंदिर के पीछे की तरफ भी है। इसके अलावा नगर पालिका से मंदिर के पीछे की तरफ और सीढ़ियों पे आधी दूरी पर ऊपर बैरिकेटिंग भी करवाई है, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मंदिर है पहाड़ी पर है? हाँ नहीं, इस पहली बार ये सीढ़ियों के ऊपर बैरिकेटिंग की गई है ताकि कोई श्रद्धालु ऊपर से ज़्यादा भीड़ होने की वजह से नीचे कोई गिर। भगवान ब्रह्मा जी के महाराज है ऊपर और इनको जोर से बोलो, ये महाराज ब्रह्मा जी के पत्नी जी है और यहाँ उनकी बहुत मान्यता है केवल महिलाओं को यहाँ अलाउ है आना, क्योंकि सप्तमी के दिन महिलाएं आती है यहाँ पे, पुरुषों को अलाउ नहीं है। क्या पता माता जी क्या बहुत बड़ी मेहरबानी है, अपने सुहाग के लिए आते हैं यहाँ पे, महाराज की बहुत मेहरबानी होती है, बड़ी कृपा है इनकी,
और हम जयपुर से आए हैं महाराज के। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्सव कंवर। तो अभी आपने देखा, एक श्रद्धालु बता रहे थे यहाँ केवल महिलाओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन केवल महिलाएं यहाँ दर्शन के लिए आती है और महिलाएं उन्हें जो है अपनी सुहाग दात्री मानती है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाकी सब यहाँ पे अच्छा है। ऐसा सुना जा रहा है कि केवल महिलाओं को ही आज प्रवेश दिया जा रहा है। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आज महिलाओं को आया जा रहा है, जेंट्स अलाउ नहीं है। ये भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप माता जी की से क्या खासियत है जो आप उनसे इतनी दूर से दर्शन के लिए आए? मंदिर तो आपके गांव में, शहर और मेट्रो सिटी में। ये माता जी में कुछ है ऐसा, तभी हम इतनी दूर से आए हैं। वहाँ से सावित्री माता जी का नाम है, अमर सुहाग दिया जाता है इनको नाम में। क्या नाम है? मेरा श्वेता कंवर शेखावत। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा। सबको बिंदी लगाना और मेहंदी लगाना बहुत ही शानदार। ये आपने जो लगातार जो बिंदियां लगाई, इसका मूल कारण क्या है? ये वही है कि सब सौभाग्य से रिलेटेड है। पहले माता जी की बिंदी लगा के आते हैं, फिर सभी लेडीज के बिंदी और मेहंदी लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है उस चीज की। सबको लगाना। किस फील्ड में डॉक्टर? अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें, चोरों से सावधान रहें।